क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर एक और डिफरेंस के साथ जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है और वो यंग पेशेंट है एंड उसके अंदर जो है वो हमको बीटा ब्लॉकर जो है वो हमने डिसाइड किया कि हमको देने हैं, सो नो डाउट कि हम जो है वो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर जो है वो एज एन एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ तो नहीं करते हैं ज़्यादा, जिसमें आता है कि जैसे प्रोप्रेनोलोल। अभी जो मेन जी जो प्रिस्क्राइब होता है वो आइदर सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स है या तो फिर थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स है। उसमें से भी जो कॉमनली यूज़ होने वाले जो बीटा ब्लॉकर्स है, जिसमें से सेकंड जनरेशन में से है बीसोप्रोलोल एंड थर्ड जनरेशन में से है सेलीप्रोलोल। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि अभी इन दोनों में से जो है वो कौन सा बीटा ब्लॉकर जो है वो पेशेंट के लिए जो है वो अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि हम डिफरेंस जानेंगे कि बीसोप्रोलोल बहुत ही वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंटी हाइपरटेंसिव कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर है जो कि सेकंड जनरेशन है। सेलीप्रोलोल जो है जो कि बेसिकली थर्ड जनरेशन सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर है, बट इनकी जो है वो बीटा वन के साथ साथ अदर नॉन एड्रेनर्जिक एक्शंस भी जो है वो सेलीप्रोलोल की देखने को मिलती है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करवाते हैं जिसके की कारण जो है वो वैसोडायलेटेशन देखने को मिलता है। बट इसके अंदर हमको पता होना चाहिए कि ये जो वैसोडायलेटेशन है मोइनली वो लार्जर आर्टरीज जो सेंट्रल आर्टरीज जो है एओर्टा और उस पर उसका इफेक्ट ज़्यादा है। तो मेनली सेलीप्रोलोल जो है वो सेंट्रल बीपी कंट्रोल के अंदर उसकी इफेक्ट जो है वो अच्छी है। बट एज एन इंडियन और रूटीन के अंदर जो है वो हमको पेरिफेरल रेजिस्टेंस के कारण जो है वो हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर पेशेंट के अंदर एथरोस्क्लेरोटिक हाइपरटेंशन पेरिफेरल रेजिस्टेंस के कारण हाइपरटेंशन ज़्यादा है तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो बीसोप्रोलोल जो है वो अच्छा रहता है। सो आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर मोस्ट ऑफ द कॉमन अगर हमको इफेक्ट देखने को मिले तो बीसोप्रोलोल की इफेक्ट जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे फिर भी ज़्यादा देखने को मिलती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो है वो अच्छा देखने को मिलता है। सेलीप्रोलोल जो है वो सेंट्रल ब्लड प्रेशर पे उसका इफेक्ट जो है वो अच्छा है, ठीक है, जो लार्जर आर्टरीज है उस पर उसकी एक्शन करके ब्लड प्रेशर रिडक्शन कैपेसिटी जो है वो अच्छी है। सो दोनों ही अगर हम देखें तो दोनों ही जो है वो अल्टीमेटली जो है ब्लड प्रेशर कम करेंगे, बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, बट कार्डियक आउटपुट एज सच जो है वो अफेक्टेड होता हुआ नहीं दिखता है। जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड जो है वो अच्छा जाता है और जो दोनों के ही अंदर जो है वो कार्डियक आउटपुट एज सच ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा जो है वो अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर अच्छा है। तो वैसे देखा जाए तो दोनों ही चैलेंजिंग है, बराबर। अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर जो है वो एज सच जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि सेफ्टी मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की जो है वो प्रिकॉशियसली जो है वो उसको यूज़ करना चाहिए। सो एज एन एंटी हाइपरटेंसिव हो, एंजाइना के अंदर हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हो, बीसोप्रोलोल जो है वो अभी ज़्यादा यूज़ में है। 5 मिलीग्राम जो है वो देना होता है, दिन में सिंगल टाइम देना होता है, उसकी इफेक्ट जो है वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जो है वो रहती है। सेलीप्रोलोल जो है उसकी जो है वो 100 से लेके 200 मिलीग्राम की जो टेबलेट्स आती है, मैक्सिमम डोज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी जो है वो 10 मिलीग्राम तक दो टेबलेट तक देते हैं, कुछ टेस्ट में जो है वो हाफ टेबलेट में भी जो है वो कंट्रोल हो जाता है, जबकि सेलीप्रोलोल के अंदर जो है वो मैक्सिमम 600 मिलीग्राम तक जो है वो डोज जो है वो दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बीसोप्रोलोल एंड द सेली